हेलो गाइज़, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ, था जिसके अंदर भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार हम लोग बढ़िया प्यार मोहब्बत से भाई अपने पावर प्लांट बीजमाई गेम के अंदर, पावर प्लांट के अंदर हम लोग उतरे थे और वहाँ पर हम बिल्कुल मस्ती कर रहे थे। मैं, मेरा दोस्त, मतलब हम चारों लोग वहाँ पर खेल रहे थे। तो भाई कुछ लोग हमारे साथ और खेलने के लिए आए और अचानक उसे एक ऐसा पड़ता है कि वो नोक ही हो जाता है, खतरनाक वाला। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी ठीक है। तो भाई मुझे, मैंने बोलता कि भाई तूने मेरे दोस्त को नॉक किया, तो भाई मैं तुझे तो मार ही दूँ कम से यार, तुम चेले चपाटे हो भाई, गेम के खेलने वाले बंदे हो। तो भाई ठीक है, उसके बाद क्या था, हम यहाँ पर खेलने होते, मस्ती कर रहे थे और वहाँ पर हमारे पीछे पावर प्लांट के अंदर एक स्क्वाड उतरी होती है, ठीक है। तो स्क्वाड उतरने के बाद हम लोग, मैं अपने साथियों को पहले रिवाज देता हूँ और हम लोग स्क्वाड के पास जा रहे होते हैं। तो भाई हमारे देखने में क्या आता है कि यहाँ पर भाई मैं पूरी तरह से रश करने के लिए तैयार होता हूँ कि हाँ भाई देखते हैं कि आगे कितने बंदे कितने नहीं हैं। और अचानक से फिर क्या होता है कि मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, भाई मुझे मेरा दोस्त आवाज़ भी देता है कि भाई वहाँ पीछे आगे बंदा है, देख के जाना। पर भाई मुझे क्या पता होता है कि वो बंदा नहीं, एक बहुत बड़ा हैकर है, जिसको एक गोली पड़ी और मैं सीधा नॉक हो जाता हूँ। नॉक होने भाई मुझे लगा कि आज तो मेरे प्लेयर का आखिरी अंतिम समय आ गया है और मैं अपने आप को बचाते बचाते सोचा अब तो नहीं बच पाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ से बच के निकल जाऊँ। तो मैं भाई धीरे धीरे चलता हूँ, बिल्कुल भाई किसे पता ना चले बंदे को कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मन में ठान लेता हूँ कि यार मुझे बदला तो लेना है, अगर मैं बच गया ना तो इसकी तो चिता बना के जाऊँगा ही जाऊँगा यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मेरा पीछे मेरा दोस्त यानी गोकू बाइटी आ जाता है वहाँ से मुझे बचाने के लिए, मुझे रैप देता है, मैं उसे गाइड भी करता हूँ, भाई वहाँ पर एक बंदा ऊपर गया है, शायद हमारे ऊपर कूद भी सकता है। तो कह रहा भाई टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा है ना तो कुछ भी कर सकता है। रेड हॉट गेमिंग में यूं ही थोड़ी आए हम लोग खेलने के लिए, ठीक है। तो इतने बीच में वहाँ पर भाई वो उनका पूरा मेरे पर एम करके बैठा होता है, ऊपर नीचे घूम रहा होता है। तो मैं भी भाई वो कहता भाई इधर आ जा इधर आ जा इस तरफ से। तो भाई हम लोग पूरा भाई मैं वेट करता हूँ, सब्र करता हूँ उसे मारने के लिए कि भाई मैं कैसे मारूंगा उसे। तो भाई मैं वापस अपना दीवार का कवर ले लेता हूँ यानी वॉल कवर, कंट्रोल कंट्रोल इसे बोलते हैं हम लोग। तो दीवार का कवर लेके मैं खड़ा होता हूँ और एनिमी को देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लोकेशन पता होती है एनिमी की। तो भाई मैं बढ़िया से तेजी में एक सुपरमैन के भी उसे खत्म मारने की कोशिश करता हूँ उसे, पर क्या मैं उसे क्या मार पाता हूँ, नहीं तो यहाँ पर नहीं मार पाता। गोकू वहाँ पर कवर में बैठा होता पूरी तरीके से, कहता भाई इधर आ जा उसको देखो यहाँ से मारेंगे। तो मैं वहाँ से देख रहा होता हूँ उसे कि भाई पावर प्लांट के पूरे कंटेनर की चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कंटेनर तो है नहीं यहाँ पर, गैस के पाइप लगे हुए तो देखते हुए तो गोकू मुझे आवाज़ देता है कि भाई इधर से आ जा। तो मैं उधर से जाता हूँ, कह रहा भाई रेटर भाई क्या भाई चूती की तरह आ रहे हो, ऐसे मत आया करो यार। तो भाई इतने बीच में भाई मैं फटाफट वहाँ पर बोलता अब तू यहाँ होल्ड कर, मेरे पास हील भी नहीं थी ना क्योंकि। तो भाई गोकू ने मुझे हील दी सबसे पहले और मैं पूरा कवर ले लेता हूँ। तो भाई मैं देखता हूँ कि अगला बंदा कहाँ से आएगा कैसे आएगा और मैं पूरा देखता रहता हूँ, बिल्कुल चील की गिद्ध की तरह आँखें लगा के देखता रहता हूँ कि भैया वो आएगा तो उसे मारूंगा जरूर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। और यार प्यार आपका ताकत मई लौंडो।